वहीं मसूरी में देर रात से हो रही बारिश से मसूरी कोतवाली का एक बड़ा भाग लैंडस्लाइड की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। कोतवाली में बना माँ दुर्गा का मंदिर भी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से धराशाही हो गया है, जिसने पुलिस कर्मियों की दो बाइक और सड़क पर खड़े करीब 7 रिक्शा मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जानकारी कोतवाली अरविंद चौधरी ने दी। वहीं मसूरी मजदूर संघ के अध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि लैंडस्लाइड की चपेट में करीब 7 रिक्शा आ गए, जिससे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इससे रिक्शा चालकों को भारी नुकसान हो गया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार से जल्द रिक्शा चालकों को मुआवजा देने के साथ नए रिक्शा देने की मांग की है। सारा नुकसान हो गया सर, सब टूट गया, उसी में मेरा गुजारा हो रहा था सर। वही है, खाने कमाने का साधन था आपका? वही है और कुछ नहीं है। बच्चा छोटा है, ये रहा बच्चा यहाँ पे, इतना सा छोटा है, कुछ कमाने वाले नहीं है, कोई नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप? रिक्शा का और क्या मांग करना है, रिक्शा दिया जाए। हाँ जी, और क्या करना था, ये रहा छोटा बच्चा है, ये मैंने यहाँ पे ले रहा, कुछ नहीं है साधन मेरे खाने का, न रहने का न खाने का न कुछ, उसी में से गुजारा हो रहा था, तब चल रहा था हमारे घर। सर यहाँ पे जो रात को पुस्तक गिरा है, लगभग 1:30 बजे के आसपास गिरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ। हमारे कम से कम 7-8 रिक्शे यहाँ पे दबे हुए हैं जो कि पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। कुछ रिक्शे तो ऐसे हैं जिनके साथ कोई खाने कमाने वाला भी नहीं है, जैसे ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, विधवा हैं, उनका रिक्शा कोई चलाता था तो उनसे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और जो 7-8 रिक्शे और भी दबे हैं वो सारे क्षतिग्रस्त हैं, और लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इनको मुआवजा देना चाहिए।